हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा गुप्ता, वेलकम टू डोरस्टेप लर्निंग। आज की वीडियो में हम द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019 के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये जो इंडेक्स है, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के साथ आप देखेंगे GCR है, इसका जो फर्स्ट रिपोर्ट है इसमें 1979 में जारी की गई थी। और ये जो रिपोर्ट है हमें प्रोवाइड करती है, ये एनुअल असेसमेंट करती है किसी देश या कंट्री की क्या प्रोडक्टिविटी रही है, किस का और इसके क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या इंडिकेटर रहे हैं और उनमें कितना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और किसी देश के में क्या क्या पॉलिसी आई हैं। तो इसी बेस पे ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें देखेंगे सबसे नंबर फर्स्ट पे जो है सिंगापुर रहा है और इसकी जो स्कोर है वह 84.8 रहा है। अब देखेंगे इसमें जो है टोटल 140 नेशंस को शामिल किया गया था और 98 इंडिकेटर रखे गए हैं और इस रिपोर्ट के जो है 12 पिलर थे जिसके आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। पहला है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, ICT अडॉप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्किल, प्रोडक्शन मार्केट, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट साइज, बिजनेस डायनेमिक्स एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। यहाँ पे आप इसके की हाइलाइट्स देख सकते हैं। जो सिंगापुर है हमने कहा था प्रथम स्थान पे रहा है और जो यूनाइटेड स्टेट है यह इसकी यहाँ पे सेकंड पोजीशन रही है और यह टॉप 5 इकोनॉमिक्स हैं, सिंगापुर, US, हांगकांग, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। और इसमें 10th नंबर पे डेनमार्क रहा है और जो चाइना है इसकी 28th पोजीशन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज हैं और इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इंडिया का देखेंगे क्या रहा है। देखिए, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो 2018 के मुकाबले डाउन गई है 10th प्लेस। और इसमें देखेंगे कि आप 2019 में रैंक 68 आई है और जो कि रैंक 2018 में 58 थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की जो रैंक है 68 है 2019 में। और जिसके डाउन होने का कारण क्या है, जो ब्रिक्स कंट्रीज का इंडिया मेंबर है और इसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है वो है काफ़ी ख़राब रही है। इसी के साथ जो ब्राज़ील है उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वह इंडिया से भी ख़राब रही है और ये नंबर 71 पे इसकी रैंक रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेजर रीज़न इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडिया अदर जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डर गवर्नेंस में है इंडिया की रैंक सेकंड आई है और थर्ड नंबर पे आया है मार्केट साइज और रिन्यूएबल एनर्जी में। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंडिया की रैंक 50th पोजीशन पे है और साथ में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में 43rd रैंक आई है इंडिया की। और जो पुअर पिलर थे उनमें आप देखेंगे कि जिसकी वजह से रैंक कम हुई है वह है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, हेल्थ, स्किल, प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट एंड स्टेबिलिटी। इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे कि हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो इंडिया की रैंक है वो 141 कंट्री में 109 आई है, तो ये काफी खराब कंडीशन कह सकते हैं हम। और जो फीमेल वर्कर्स टू मेल वर्कर्स में जो रेशियो में इंडिया की रैंक 128 आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया की नेबर कंट्री के साथ क्या रैंक रही है। जो चाइना है वो प्रथम स्थान पे रहा है, फर्स्ट रैंक रही है 28 के साथ, इसमें इंडिया के कंपैरिजन में देख रहे हैं हम यहाँ पे। और श्रीलंका यहाँ पे इंडिया से कम है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और यह हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, देख सकते हैं आप महिला कामगारों का अनुपात 0.26 रहा है, सेम वही है जो मैंने इसमें पहले बताया है वही सब है इसमें। इसी के साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।